नमस्कार, मैं हूं योजन उपाध्याय, आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की खास खबर। यूपी के प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान व लेखपाल की लापरवाही से पूरा परिवार दूसरे के घर में रहने को मजबूर। मामला प्रतापगढ़ जनपद के गौरा ब्लॉक के ग्राम सामाऊ का है, जहां कमलेश कुमार गौतम का बारिश में घर गिर जाने से कमलेश कुमार अपने पत्नी व तीन बच्चों के साथ दूसरे के घर के सामने पन्नी डालकर रह रहे हैं। लेखपाल को घर गिर जाने की सूचना भी दी गई, परंतु अभी तक उसे ना ही आवास मिला, ना ही आवास का आश्वासन, ना ही उसे कोई अनुदान मिला। कमलेश कुमार अपने पूरे परिवार के साथ दूसरे के घर के सामने रह रहा हुआ मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है, उसे अब तक आवास नहीं मिला। नाम क्या है? कमलेश कुमार। पिता का नाम? मथुरा प्रसाद। ये मकान किसका है? हमारा है। पक्का मकान नहीं है? नहीं है। कॉलोनी नहीं मिली है? नहीं मिली। तो कहाँ रह रहे हो ऐसे मकान में? दूसरे हमारे भाई का कमरा है, उसी में रह रहे हैं। अच्छा, प्रधान कौन है? किसान है, विजय कुमार यादव गौतम। ठीक, गौरव ब्लॉक है। हाँ ठीक। आवास नहीं मिला? नहीं, हमारा घर भी गिर गया है। इसका पैसा आया? नहीं, कुछ नहीं। बारिश में गिरा था? हाँ। ठीक है, यही पूरा है? हाँ, यही है। कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं, एक यहाँ नहीं है, दो हैं अभी। ठीक है, मकान नहीं होने के कारण रहने का जगह नहीं है, इसलिए नहीं है बच्चे यहाँ पर। ठीक।